मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। देवास जिले के बागली में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश में बागली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें अपनी सुरक्षा और पुलिस प्रशासन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन महिला सुरक्षा 100 डायल के बारे में छात्र छात्राओं को बताया गया। वहीं थाना प्रभारी सोनी द्वारा स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए, साथ ही पास्को एक्ट सिटीजन कोप कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही एसआई सपना राव ने छात्राओं से चर्चा कर महिला संबंधित कानून के बारे में विस्तार से चर्चा की और स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए उसके बारे में भी छात्रों को बताया गया। एसआई सपना राव ने बताया कि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे, परीक्षा परिणाम में चाहे नंबर कम आए लेकिन कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार की उम्मीद आप पर रहती है। यदि इस बार नंबर कम आते हैं तो अगली बार कक्षा में अच्छी मेहनत कर अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, इसलिए कभी भी हमें मायूस होकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बागली से रवि की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवास की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में जाकर बालक बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति और पुलिस के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सेशन दिए जाने चाहिए। उसी के तहत आज हमने श्याम नगर स्कूल में जाकर के सुरक्षा के लिए और संवेदनशीलता के लिए सेशन दिया। सर, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? हाँ, ये अभियान निरंतर हमारा जारी है। हमारे यहाँ की जो महिला अधिकारी हैं वो बालिकाओं से बात कर रही हैं, हम भी विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं, उसको निरंतर रखने वाले हैं। इसमें एक तो हम ये जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस से संबंधित जो डायल 100 है या जो 1090 है महिला हेल्पलाइन या 1098 है चाइल्ड हेल्पलाइन, उसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के विषय जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से फिर अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो तत्काल उपाय कर सकते हैं महिला, उसके लिए जानकारी उसमें दी जा रही है। बस एक सामान्य संवाद भी हो रहा है बच्चों से, जिसमें पुलिस के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहें और जागरूक रहें और उनसे डर भय।